उन मोदी जी को मार काट और अपमान की ताकत से हिंदुओं का मसीहा बनाया गया। जो लोग मर रहे हैं उनमें हिंदू ही सबसे ज़्यादा हैं। कांग्रेस और देश के लिए मर मिटने वाले नेताओं को गालियां दी गई, इसलिए छुपकर वार किया, धोखा किया, नेताओं की खरीदी की और जो नहीं बिका उसे झूठे केस में फंसाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होकर भाजपा नेता बन रहे हैं, क्या यह हमारे देश को न्याय दिला पाएंगे? ये जज जो जीवन भर संविधान का सम्मान करते रहे, अब वो भाजपा के खिलाफ कुछ सच नहीं बोल पाएंगे। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, झूठ बोलते हैं ये लोग। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर हुआ। पहले बाबू चपरासी खरीदे जाते थे, आज विधायक और नेता खरीदे जाते हैं। आज तो ऑप्शन ही नहीं है, भाजपा ज्वाइन करो या जेल जाओ। मिथुन चक्रवर्ती जी किसी कारण भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और लालू जी जेल चले जाते हैं। ये फर्क दबाव सहने का है, जनता ही एकमात्र हथियार है। अगर आप नहीं जागे तो देश हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। उठिए, आवाज उठाइए। डरकर माफी मांगने वाले सावरकर, गांधी को मारने वाले गॉडसे और देश को बांटने वाले अंग्रेज। साथियों, आप लगातार देख रहे हैं किस तरह पर्दाफाश हो रहा है। कल योगी जी की सोशल मीडिया का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें योगी जी के समर्थन में ट्वीट करने पर हर ट्वीट पर 2 रुपये दिए जाने की बात हो रही है। और बहुत दुख हो रहा है ये जानकर कि अभी भी गजेंद्र चौहान, जो महाभारत में युधिष्ठिर बने थे, वो सिर्फ स्क्रीन के धर्मराज बनकर रह गए। असल जिंदगी में तो अधर्म ही अधर्म कर रहे हैं। हमारे देश के लोगों को छल रहे हैं, पैसे लेकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जनता को लगता है कि जो लोग लिख रहे हैं वो अपने मन की सच्चाई लिख रहे हैं, लेकिन असलियत में वो खरीदे हुए शब्द हैं जिनकी संख्या पैसा तय करता है। ये ट्वीट और फेसबुक पर जो मोदी योगी समर्थक लिखते हैं वो भावनाएं संवेदनाएं नहीं हैं, बल्कि पैसे की गर्मी है जो बोल रही है। आपको याद होगा मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह बड़े न्यूज चैनल खरीद कर 2012 से हिंदूवादी कंटेंट चलाया गया। फेसबुक पर पेज और ग्रुप देखें जो चाणक्य रामायण और महाभारत के सीन काटकर चलाए गए। पहले 2 साल हिंदू विचारधारा को जगाया गया, वो भी भगवान के सहारे। धर्म का सहारा लेकर राजनीतिक उद्देश्य का बीज रोपा गया। फिर 2014 चुनाव के पहले इस हिंदुत्व की विचारधारा को उकसाया गया। मुगल राज में जो विलेन थे उनको सामने लाया गया। हिंदू खतरे में हैं, गैर हिंदुओं के खिलाफ लगातार नफरत की भावना भड़काई गई। ये सब एक प्लानिंग से हुआ। हमें और आपको लगता रहा कि ये मोदी बड़े स्टार नेता हैं, जबकि वो सिर्फ खरीदी हुई मीडिया के बनाए हुए हीरो हैं। अरे, जिन मोदी जी को कई देशों ने वीजा देने से मना कर दिया था, ये कहकर कि हम अपने देश की जमीन पर किसी हिंसक व्यक्ति को नहीं आने देंगे, उन मोदी जी को मार काट और अपमान की ताकत से हिंदुओं का मसीहा बनाया गया। जबकि सच आज सबके सामने है, जो लोग मर रहे हैं उनमें हिंदू ही सबसे ज़्यादा हैं। देश की जनता को गुमराह करके वोट लिए गए, कांग्रेस और देश के लिए मर मिटने वाले नेताओं को गालियां दी गई, क्योंकि सच के सामने खड़े होने की इनकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए छुपकर वार किया, धोखा किया, नेताओं की खरीदी की और जो नहीं बिका उसे झूठे केस में फंसाया गया। आज ही देख लीजिए, जो न्यायपालिका सबसे साफ और भरोसेमंद मानी जाती थी, आज उसी सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होकर भाजपा नेता बन रहे हैं, क्या यह हमारे देश को न्याय दिला पाएंगे? ये जज जो जीवन भर संविधान का सम्मान करते रहे, अब वो भाजपा के खिलाफ कोई सच नहीं बोल पाएंगे। ये सच बोलेंगे नहीं और जनता को लगेगा ये सच ही बोल रहे हैं। इस तरह एक मायाजाल आम जनता के दिमाग में फैलाया गया, तब जाकर नफरतों और गाली गलौज की सरकार बनी। ये हमारा भारत बनाया मोदी जी ने, जहां अब सब बिकाऊ हैं। समर्थक कहते थे मोदी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, झूठ बोलते हैं ये लोग। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर हुआ। राफेल की फाइल बंद नहीं हुई, करवाई गई। दुनिया ने देखा कि राफेल बनाने वाली कंपनी
दसॉल्ट ने खुद स्वीकार किया कि एक बड़ी रकम राफेल के सौदे के लिए दी गई। वो रकम क्या भाजपा फंड में जुड़ी या नेताओं के घर गई पता नहीं चला, पर जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि वही राफेल दोगुनी कीमत पर खरीदा गया। पहले टेंडर के लिए रिश्वत जाती थी, आज सरकार बनाने के लिए जाती है। पहले बाबू चपरासी खरीदे जाते थे, आज विधायक और नेता खरीदे जाते हैं। पहले कागज बनाने के पैसे लगते थे, आज पैसे बनाने के कागज लगते हैं। पहले ऑप्शन था ये बाबू नहीं तो वो कर देगा, आज तो ऑप्शन ही नहीं है, भाजपा ज्वाइन करो या जेल जाओ। मिथुन चक्रवर्ती जी किसी कारण भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और लालू जी जेल चले जाते हैं। ये फर्क दबाव सहने का है। खरीदी हुई पब्लिसिटी और बेचे हुए धर्म पर बनी मोदी सरकार जिसकी नींव में ही धोखा रखा गया, आप खुद चेक कीजिए। 2012 के पहले ना हिंदुत्व खतरे में था, ना हिंदू खतरे में था, लेकिन आज पूरा देश खतरे में है। देश का आर्थिक और सामाजिक भविष्य खतरे में है, जिसे बचाने के लिए सिर्फ जनता ही एकमात्र हथियार है। अगर आप नहीं जागे तो देश हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। उठिए, आवाज उठाइए। आप सीधे नहीं बोल सकते, ये दिल से डर निकाल फेंकिए। हम भगत सिंह और गांधी नेहरू के वंशज हैं, हमने लाठियां भी खाई हैं, जेल भी काटी है, इसलिए ये देश हमारा कहलाता है। डर कर माफी मांगने वाले सावरकर, गांधी को मारने वाले गौडसे और देश को बांटने वाले अंग्रेज और जिन्ना का देश ये ना तो कभी था और ना कभी होगा। बोलते रहिए, बोलना आपका अधिकार है। जय हिंद।